खनिया थाना के ग्राम सिनावल खुर्द का रहने वाला महेंद्र यादव उम्र कैद की सजा काट रहा था। ग्वालियर सेंट्रल जेल से 2005 में पैरोल पर बाहर आया था और जेल से बाहर आते ही फरार हो गया था। खनिया थाना प्रभारी तिमेश छारी के अथक प्रयासों से मुखबिर की सूचना पर महेंद्र यादव के घर पर मय फोर्स के साथ धावा बोल दिया और आरोपी महेंद्र सिंह यादव उम्र 53 साल को घर पर दबोच लिया, जिसके कब्जे से एक 12 बोर दुनाली बंदूक, 6 जिंदा राउंड और 17 खाली खोखे कमर बेल्ट के साथ जब्त किया। आपको बता दें कि आरोपी महेंद्र यादव ने वर्ष 2002 में ग्राम सिनावल में लगातार 3 हत्याओं की वारदात को अंजाम देकर क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी और इसके बाद 2003 में आरोपी महेंद्र यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जेल में हत्या के मामले में सजा काट रहा महेंद्र यादव 2005 ग्वालियर जेल से पैरोल पर बाहर आया था और जेल से बाहर आते ही फरार हो गया था। महेंद्र यादव 2005 से गिरफ्तारी वारंट लंबित चल रहा था। आरोपी महेंद्र यादव करीब 17 वर्ष से लगातार फरार था, जिस पर शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिसको आज खनियादाना थाना प्रभारी तिमेश छारी के अथक प्रयासों से महेंद्र यादव को गिरफ्तार कर हाईकोर्ट भेज दिया गया है। खनियादाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। 10,000 का इनामी बदमाश महेंद्र यादव अपने घर पर है। तो सूचना को जो है मैं फोर्स के सिनावल फोर्स गया था। आरोपी को पुलिस की मदद से घेराबंदी करके पकड़ा। इसके कब्जे से 12 बोर की दुनाली बंदूक, 6 जिंदा कारतूस और 17 खाली खोखे मैं कमर पट्टे के इससे बरामद किए गए। इसने वर्ष 2002 में जो है 3 हत्याओं का ग्राम सिनावल फोर्स में 3 हत्याएं करके सनसनी फैलाई थी। उसी प्रकरण में इसका उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर से इसका वारंट चल रहा था और सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी द्वारा 10,000 रुपये का इसकी गिरफ्तारी में इनाम घोषित किया गया। सर कुछ आपस में झड़प हुई इसके साथ या ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया आपने? नहीं, कोई झड़प नहीं, इसको गिरफ्तार किया। पुलिस पर्याप्त पुलिस बल था मेरे साथ और इसको आसानी से गिरफ्तार किया। जी, धन्यवाद।